दांतों में झंझनाहट यानी सेंसिटिविटी दांतों की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। दांतों की सेंसिटिविटी से अधिकतर लोग परेशान हो जाते हैं, जिससे उनको खाने में और पीने में परेशानी होती है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लहना सिंह, डेंटल सर्जन। आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि दांतों में सेंसिटिविटी क्यों होती है और इसको कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेंसिटिविटी क्यों होती है। दांतों में तीन परतें होती हैं। सबसे ऊपरी परत इनेमल लेयर। यह इनेमल लेयर बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है। बोन इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है। इनेमल लेयर को दांतों की सुरक्षा कवच भी कहते हैं। इनेमल लेयर के बाद डेंटिन लेयर आती है। यह लेयर इनेमल से थोड़ी सॉफ्ट होती है और यह सेंसिटिव लेयर है। दांतों में होने वाली सेंसिटिविटी का कारण यह लेयर ही है। अक्सर डेंटिन के एक्सपोज होने की वजह से, यानी कि डेंटिन के बाहर निकलने की वजह से सेंसिटिविटी फील होती है। तीसरी लेयर पल्प, यह दांतों का सबसे सॉफ्ट पार्ट है। इसमें दांतों की नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं। यहाँ हम बात करेंगे सेंसिटिविटी की। तो सेंसिटिव लेयर डेंटिन है, इसके एक्सपोज यानी इसके निकलने की वजह से सेंसिटिविटी होती है। अब यह लेयर एक्सपोज कैसे होती है? तो इसका सबसे पहला कारण है गलत तरीके से ब्रश करना। ज्यादा जोर जोर से रगड़ रगड़ कर ब्रश करने से दांतों की ऊपरी परत यानी इनेमल लेयर घिस और कट जाती है, जिसकी वजह से डेंटिन लेयर एक्सपोज हो जाती है और फिर सेंसिटिविटी होती है। दूसरा कारण है टूथ पाउडर को उंगली से दांतों पर गलत तरीके से घंटों तक घिसते रहना, जिसकी वजह से इनेमल लेयर घिस जाती है और फिर डेंटिन लेयर के एक्सपोज होने से सेंसिटिविटी होती है। तीसरा कारण है कैविटी। कैविटी होने से भी सेंसिटिविटी होती है। कैविटी जब इनेमल लेयर से डेंटिन लेयर में पहुंचती है, जो कि सेंसिटिव लेयर है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी फील होती है। कई बार पुरानी फिलिंग भी सेंसिटिविटी का कारण बनती है। यह सेंसिटिविटी माइक्रो लीकेज की वजह से होती है, यानी दांतों में फिलिंग और दांत के बीच में बारीक स्पेस बन जाता है, जिसे माइक्रो लीकेज कहते हैं। इसकी वजह से भी सेंसिटिविटी होती है। पान सुपारी खाने से भी पीछे वाले दांत यानी मोलर्स घिसते हैं और इनेमल लेयर के घिसने से डेंटिन लेयर एक्सपोज हो जाती है और फिर सेंसिटिविटी होती है। ज्यादा मात्रा में एसिडिक फूड और ड्रिंक्स, जैसे खट्टे फ्रूट जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, अचार आदि से दांतों की ऊपरी परत यानी इनेमल लेयर को नुकसान पहुंचता है और फिर दांतों में सेंसिटिविटी होती है। रात के समय दांत पीसने की वजह से भी सेंसिटिविटी होती है। दांत पीसने की वजह से दांत घिस जाते हैं और डेंटिन लेयर एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है। सेंसिटिविटी का दूसरा कारण है दांत की जड़ यानी रूट का एक्सपोज होना। और यह किन कारणों की वजह से होती है? इसमें सबसे पहले आता है गलत तरीके से ब्रश करना। जोर जोर से रगड़ रगड़ कर ब्रश करने की वजह से न सिर्फ इनेमल लेयर घिसती है, बल्कि मसूड़ों को भी नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से मसूड़े नीचे खिसकने लगते हैं और फिर रूट एक्सपोज हो जाती हैं और फिर सेंसिटिविटी फील होती है। गम डिजीज होने की वजह से भी सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि गम डिजीज में मसूड़े लूज होने लगते हैं, नीचे खिसकने लगते हैं, जिसकी वजह से रूट एक्सपोज हो जाती हैं और फिर सेंसिटिविटी फील होती है। दांतों में जमा प्लाक कैलकुलस मसूड़ों को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से मसूड़े नीचे खिसकने लगते हैं और फिर रूट एक्सपोज होने की वजह से सेंसिटिविटी होती है। तंबाकू बीड़ी सिगरेट का सेवन करने से कैलकुलस बनता है। दांतों पर गंदगी की परत जमती है, जिसकी वजह से मसूड़े नीचे खिसकने लगते हैं और रूट एक्सपोज होने लगती है, जो कि सेंसिटिविटी का कारण बनती है। डेंटल ट्रीटमेंट जैसे स्केलिंग, टीथ वाइटनिंग के लिए ब्लीचिंग और फिलिंग कराने के बाद भी सेंसिटिविटी फील होती है, लेकिन ये सेंसिटिविटी टेम्परेरी है, कुछ समय तक रहती है, कुछ समय बाद यह खुद से ही सही हो जाती है। सेंसिटिविटी के इलाज की बात करें तो इसका इलाज डिपेंड करता है सेंसिटिविटी के कारण पर।
सेंसिटिविटी के कारण को सही कर देंगे तो सेंसिटिविटी सही हो जाएगी। सेंसिटिविटी का कारण सही नहीं होगा तो सेंसिटिविटी भी सही नहीं होगी। नहीं समझ आया, समझाती हूँ। टीवी में एड देखकर तो यह सबको समझ में आ गया है कि सेंसिटिविटी होने पर सेंसिटिव टूथपेस्ट दिए जाते हैं जिससे सेंसिटिविटी सही हो जाए। अगर सेंसिटिविटी कैविटी की वजह से है तो कितना भी सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज कर लें, सेंसिटिविटी कभी सही नहीं होगी। यह सेंसिटिविटी फिलिंग करने के बाद ही सही होगी। अगर फिलिंग नहीं करवाएंगे तो कैविटी पर तक पहुंच जाएगी, तो फिर फिलिंग कराने के सारे चांसेस खत्म। पल तक पहुंचने पर इसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही ऑप्शन बचता है दांत को बचाने का। इनिशियल स्टेज में सेंसिटिविटी को खत्म करने के लिए सेंसिटिव टूथपेस्ट दिए जाते हैं। जब इनेमल लेयर घिस जाती है तो सेंसिटिव टूथपेस्ट का यूज करने से सेंसिटिविटी काफी हद तक सही हो जाती है। अगर इनेमल लेयर में कट बन जाए तो इसमें फिलिंग करानी पड़ती है। सेंसिटिव टूथपेस्ट वर्क नहीं करता अगर इनेमल लेयर में कट बन जाए तो। पुरानी फिलिंग की वजह से सेंसिटिविटी है तो पुरानी फिलिंग को निकाल कर न्यू फिलिंग करनी पड़ती है, तभी सेंसिटिविटी से छुटकारा मिलता है। हैबिट की वजह से दांत घिस रहे हैं, यानी हैबिट की वजह से सेंसिटिविटी है। हैबिट यानी कि पान सुपारी खाने की वजह से सेंसिटिविटी हो रही है। पहले इनका सेवन करना छोड़ें और दूसरा सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज करें। रात में दांत पीसने की हैबिट की वजह से सेंसिटिविटी है तो इसके लिए नाइट गार्ड या फिर माउथ गार्ड दिए जाते हैं। एसिडिक फूड और ड्रिंक्स की वजह से सेंसिटिविटी होती है तो सबसे पहले इनका सेवन बंद करें, सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज करें, कोल्ड ड्रिंक और सिट्रस जूसेस को डायरेक्ट ना लें, इसके लिए स्ट्रॉ का यूज करें। स्ट्रॉ के यूज करने की वजह से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता एसिडिक जूस या फिर आपकी कोल्ड ड्रिंक्स का। मसूड़े नीचे जाने की वजह से सेंसिटिविटी हो रही है तो इसके लिए गम सर्जरी की जाती है। गम्स को दोबारा अपनी पोजीशन पर लाया जाता है जिसकी वजह से सेंसिटिविटी में राहत मिलती है। सेंसिटिविटी से बचना है तो जिन कारणों की वजह से सेंसिटिविटी हो रही है उन कारणों को छोड़ दें। इसमें सबसे पहले सही तरीके से ब्रश करना सीखें जिससे दांतों और मसूड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे। दांतों और मसूड़ों को नुकसान नहीं पहुंचेगा तो सेंसिटिविटी भी नहीं होगी। जोर जोर से रगड़ रगड़ कर ब्रश ना करें, सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले टूथब्रश का यूज करें। पान सुपारी बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आदि सब दांतों और मसूड़ों को खराब करते हैं, इनका सेवन छोड़ दें। हर सेंसिटिविटी का इलाज सेंसिटिव टूथपेस्ट नहीं है। सबसे पहले होने वाली सेंसिटिविटी का कारण समझें, फिर सेंसिटिव टूथपेस्ट का यूज करें। अगर सेंसिटिव टूथपेस्ट से भी सेंसिटिविटी सही नहीं हो रही तो अपने आसपास के डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं। थैंक यू।